अगर कोई पूछे कि एक शिद्दत वाली लॉयल्टी क्या होती है तो उसे ये सच्ची कहानी सुना देना। बात है 1923 जापान की। वहाँ पे एक डॉग का जन्म होता है, उसका नाम था हाचिको। एक साल बाद उसे एक प्रोफेसर अडॉप्ट कर लेता है, उसे अच्छे से रखता है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। जहाँ जाता था उसे ले जाता था, खिलाता पिलाता था अच्छी तरह। जब प्रोफेसर कॉलेज जाता था तो उसे स्टेशन छोड़ने हाचिको जाता था। जब कॉलेज से वापस आता था प्रोफेसर तो हाचिको से रिसीव करने जाता था रोज़। पर एक दिन अचानक प्रोफेसर वापस नहीं आए, उनकी डेथ हो गई थी कॉलेज में। पर हाचिको वहीं स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा था। उसने कई दिनों तक इंतज़ार करा, कई महीनों तक, 9 साल तक इंतज़ार करा। उसने अपने मालिक का 9 साल तक इंतज़ार करा, जब तक वो मर नहीं गया। फिर उसी स्टेशन पे एक ब्रोंज का स्टैचू बनाया गया हाचिको की याद में, यह दिखाने के लिए कि लॉयल्टी क्या होती है, एक जीव दूसरे जीव के लिए कितना लॉयल हो सकता है और कंपैशनेट हो सकता है।